खरगोन शहर के बावड़ी बस स्टैंड पर बुधवार को हुए सड़क हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खरगोन एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग की खरगोन कोतवाली थाने में बैठक आयोजित की गई है। अधिकारियों के द्वारा शहर में पैदल भ्रमण किया गया। इस दौरान शहर के एक्सीडेंट स्पॉट व संकेतिक बोर्ड लगाना, इसी के साथ शहर में स्पीड ब्रेकर लगने पर अधिकारियों के साथ कोतवाली थाने में बैठक में चर्चा हुई। यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग को वाहनों की चेकिंग के दिशा निर्देश दिए गए। खरगोन एसडीएम ने कहा कि सख्ती से कार्यवाही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हुआ है खरगोन में, इसको लेके आज पूरा पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, आरटीओ और हम लोगों ने आज शहर के विभिन्न स्थानों का आज भ्रमण किया है। वहाँ पे हमने जो कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर बनाए जाने आवश्यक हैं, कहाँ पर मार्ग संकेतक लगाए जाने आवश्यक हैं और साथ ही साथ जो अपना पुलिस बल और जो चेकिंग पॉइंट हैं कहाँ कहाँ बढ़ाए जाने हैं, इसके संबंध में आज पूरी तैयारी करी है। सबको निर्देश जारी कर दिए गए हैं और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार के और हादसे शहर में ना हो, उसके लिए और क्या क्या समुचित कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए सभी पूरे जिले में जो खास तौर से संबंधित विभाग हैं, आरटीओ हैं, नगर पालिका है, पुलिस है, प्रशासन है, सभी लोग मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो। चूँकि इस समय बड़वाह का पुल बंद होने से शहर में ट्रैफिक बढ़ गया है, अभी संज्ञान में चर्चा के दौरान यह भी आया था कि जैसे पूर्व में जो बड़े वाले जो टैंकर जो जा रहे हैं सेल्दा प्लांट में, वह रात्रि में ही जाते थे। उस संबंध में कलेक्टर महोदय से चर्चा करके आवश्यक जो आदेश निर्देश हैं वह भी जारी कराने का प्रयास करेंगे ताकि वह दिन में ट्रैफिक का लोड थोड़ा शहर में कम रहे और व्यवस्थाएँ बनी रहें। आज 3:45 बजे बलकवाड़ा के दंपत्ति अपने बच्ची के साथ चैम मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो एक बल्कर जो राख से भरा हुआ था जिसने उनके पीछे से टक्कर मार दी तो बच्चा और पत्नी वहीं ख़त्म हो गए और जो गाड़ी चला रहे थे वो दूसरी तरफ फेंक आ गए, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत कोतवाली पुलिस मौके में पहुंची और बलगर को जब्त कर लिया है। बलगर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक इस घटना के बाद अभी मीटिंग ली गई है जिसमें राजस्व, परिवहन, पुलिस और ट्रैफिक इन सबको सबके साथ मीटिंग हुई है जिसमें रोड संकेतक के बारे में और रोड ब्रेक के बारे में सेफ्टी के उपाय के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका सीएमओ से बुलाकर नगर पालिका क्षेत्र में इसको कंट्रोल करने के उपाय किए जा रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि जिला दंडाधिकारी खरगोन को एक प्रतिवेदन भेजा जा रहा है जो बलकर और ट्राला रात में ही खरगोन शहर से निकले, इसके लिए कल आदेश जारी करवा लिया है। ट्रैफिक चूंकि बड़वा है में पुलिया क्षतिग्रस्त है, वहाँ से हैवी वाहन जा नहीं रहे हैं तो तब से ये रोड ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और इस दुर्घटना क्षेत्र में जो ब्लैक स्पॉट हैं, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर इसमें समुचित कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।